एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसका नाम है बैलवर्ड, जो कि यूट्यूब में हर एक गेमर ने इस पे वीडियो बना डाली भाई। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैंने भी ये वीडियो पे अपना फोकस डाला और इस पे काम कर डाला और तुम्हारे लिए वीडियो बना डाला। तो इससे तुम्हारी भी लाइफ हो गई झिंगालाला और मेरी भी हो गई झिंगालाला। सो गाइस, यहाँ पे आ चुका है बैलवर्ड, नाम में ही गजब बात। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है जैसे कि, और क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू वर्ड। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे अपना वर्ड क्रिएट करना है, तो उसका नाम रख देती हूँ गेमर मम्मी। जैसे हमने गेम, कई गेम खेले हैं उसमें होता है नाम रखना होता है, तो मैं गेमर यार कैपिटल में लिखना है मुझे। गेमर मम्मी कन्फर्म, यस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं फिर से आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, पर मैं नहीं करूँगी, मैं अभी जिद्दी हूँ पूरी। गेमर मम्मी ही नाम रखूँगी, कन्फर्म है मेरा। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप से मेरा बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है कि मैं ऐसी हूँ। क्या लगता है तुम्हें गेमर मम्मी ऐसी है? गेमर मम्मी ऐसी है, तो बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। ये सब मेरे ऊपर सूट ही नहीं करेगा, अजीब सा है ये। लड़के में मैं क्या अच्छी लगूँगी, ये बुड्ढा, नो वे, अजीब अजीब है। मतलब टाइप वन ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी मस्त लग रहा है, कूल लग रहा है मेरे लिए, ये भी कूल लग रहा है, बाकी सब फूल लग रहे हैं। तो मैं इसी को ही कंटिन्यू रखूँगी। बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा मेरा ऐसा है, ओके। इसमें आप अपना बॉडी, ओ भाई टांगे देख रहे हो टांगों का लेवल क्या बढ़ रहा है। अगेन आर्म साइज, ओए होए, जैसे जिम जाते हैं डोले शुल्ले, ये तो मुझे लगता है जिम इंस्ट्रक्टर के जो होते हैं उनके लिए बढ़िया है। चलो एनीवे गले में खराश, जिम पानी पी लो। तो ये हमें एक वर्ल्ड में आ चुके हैं और हमें पॉकीमॉन दिख गए, नाइस। तो ये हमें एक वर्ल्ड में, आइसलैंड पे हमें छोड़ दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से है। और कुछ हाथ में दिया गया है कि आपको टास्क होंगे, इसमें सारे टास्क होंगे वो हमें कंप्लीट करने होंगे, मैं खुद से अज्यूम कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर हमें जाना है, ओहो चलो जी हम। वाओ वाओ, कितनी खूबसूरत दुनिया है, आ हा हा। वेकेशन पे आ गई है तुम्हारी जीएम, कैसा लग रहा है व्यू बताओ? चलो, ग्राफिक तो सच में जैसी बात सुनी थी वैसी ही, वो कहते हैं ना लड़की की जैसी तारीफ सुनी वैसी लड़की निकली तो यहाँ पर भी जैसा गेम के बारे में तारीफ सुनी थी उसी टाइप से ये गेम है। और ग्राफिक तो ओपी है भाई, माइंड ब्लोइंग है। मुझे लगता है दूर दूर जितना मैं देख रही हूँ ना, अलग अलग आइसलैंड होंगे शायद से, जैसे माइनक्राफ्ट में भी बर्फ़ वाले इधर उधर, मतलब कोई अलग अलग, माइनक्राफ्ट में बर्फ़ वाले थे क्या पता नहीं, याद नहीं आ रहा, माइनक्राफ्ट में भूल गई क्या? छी, वॉट इज़ दिस बिहेवियर जी एम। तो यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पे अनलॉक फास्ट ट्रैवल, अच्छा। तो पहले ही आते मैंने अनलॉक कर लिया एक फास्ट ट्रैवल, मतलब कि जल्दी जल्दी मैं फास्ट करूँगी। और ये जो मुझे ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है ना, मतलब वो लकड़ियाँ उठाना है, समझ जाओ। वाह, दो लकड़ियाँ उठाते ही मेरा टास्क कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे भाई, मतलब कि क्या कुछ भी। तो इसमें क्या करना होगा, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे ऐसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखा, जो जो ऐसे रिफ्लेक्टेड चीज़ें दिखेंगी उनको मुझे लेते जाना है और इकट्ठे सबसे पहले कलेक्ट करना है ना। और मेरी हेल्थ, अच्छा हेल्थ भी कम हो रही है मेरी, तभी स्पीड कम हुई है। तो ये देखो मुझे लकड़ियाँ और आई थिंक स्टोन कलेक्ट करने हैं, है ना। तो ये क्या है, ओह रेड बेरीज, तो ये रेड बेरीज है जो कि हमें खाने पीने में मदद करेंगी। तो ये मतलब और भी चीज़ें होंगी खाने पीने की पर एमरजेंसी। और ये क्या चमचमाती चीज़, एग, अभी किसी चीज़ का एग मिल गया मुझे आते ही, कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या एग से? पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी कुछ। तो अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हूँ, ज़्यादा दूर मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि अभी मुझे कुछ पता नहीं है। और डंडियाँ मिल रही है मुझे, ये इधर जितनी भी डंडियाँ है ना, मतलब कि ये लेते जाओ, लेते चलो लेते चलो। और क्या दिख रहा है, ये इस वाले सरफेस में, मतलब यहाँ वाली जगह पे कुछ बनाते हैं ना, जगह भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर मतलब रहने में मज़ा भी आएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जगह मेरे लिए परफेक्ट है। झरने की किराने, यहाँ पे हम बढ़िया सा करते हैं एक्सप्लोर। तो अभी मुझे ये टेबल बनानी है, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये टेबल बनानी है जो कि वर्क
बेंच बोलते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं इस बेंच पे। तो मुझे लगता है ये वर्क बेंच मुझे किधर बनानी चाहिए? नहीं इधर नहीं, इधर बनाते हैं ना, यहाँ बना लेते हैं। चलो तो यहाँ पे मैंने बना दिया। एफ से होल्ड करना है, होल्ड करके मुझे इसे मतलब बिल्ड करना है। ये देखो बिल्ड हो रहा है, कितना गजब लग रहा है भाई बिल्ड होते हुए। तो एक और मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, शायद से तभी ये ब्लू कलर का टिन से आवाज आई है। सो गाइस यहाँ पे मैंने अभी एक टेबल तो बना लिया, और इस टेबल से मैं कुछ बना सकती हूँ। अच्छा मैं ये चीज़ें बना सकती हूँ, सबसे पहले मैं ये बना लेती हूँ। तो एक ये वुडन क्लब है, मतलब इससे मैं किसी को पीट सकती हूँ, है ना। तो वो बना लिया मैंने, और क्या बना सकती हूँ? अच्छा ये भी बना सकती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ बना सकते हो। ये स्टोन की पिकेक्स है जो कि मुझे पत्थर वत्थर तोड़ने में काम आएगी। नेक्स्ट वो है टॉर्च है जो रात में मुझे प्रोटेक्ट करेगी। जैसे कि माइनक्राफ्ट में तुम लोग जानते ही हो कि जब हम सर्वाइव करते हैं तो टॉर्च ज़रूरी होती है, तो ऐसे यहाँ पर भी हमें ज़िंदा रहने के लिए रोशनी की तो सख्त ज़रूरत होगी, है ना। तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ भाई। ये बैरीज वैरीज, ये लकड़ी वकड़ी जो मिल रही है ना, मतलब इनको कलेक्ट करने में ही फ़ायदा है। तो मैं इसको मारूँ तो क्या होगा? ओ इसने मुझे बैरीज वगैरह दिया है। ओके ये डंडा तो बड़ा काम का है यार। तू मरी नहीं? अबे रुक, तू मरी क्यों नहीं? अब मरी भाई जाकर। इसने दो बोल दिए मुझे, वुड दिया और ये मटन दिया। ओके ये भाग रहा है डर के मारे। अभी ज़्यादा किसी से पंगा नहीं दिया। वो अभी मैं देखती हूँ। हाँ अभी मैं ये बना लेती हूँ फटाफट से, ताकि मुझे लकड़ियाँ तोड़ने, क्योंकि इसमें आते ही सबसे पहले यही सर्वाइव करना पड़ता है आपको, लकड़ियाँ चाहिए होती है। स्टोन ऑलमोस्ट डन, ठीक है ये सब चीज़ चाहिए। और मैं और तो अभी कुछ नहीं बना सकती, तो अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब तो रेडी है मेरे पास। ओके गाइस तो अभी मुझे स्टोन वगैरह कलेक्ट करने होंगे, लकड़ियाँ कलेक्ट करनी होंगी। तो मैं ये पेड़ है यहाँ पर, मुझे वैसे अपनी वो टेबल यहाँ पर बनानी चाहिए थी। आई एम राइट अ रॉन्ग, पास का पास और खूब सारी लकड़ियाँ आती। स्टेमिना भी मेरा कम हो रहा है गाइस, कोई बात नहीं सह लो यार, होता है। ओ पेंट्री में टेक्नोलॉजी में, ओ लेवल 3 कंप्लीट कर लिया मैंने, 1 पे ये करा। अच्छा 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 ओके। ओ तो ये सब हमें ऑलरेडी मिले हैं क्या? तो मैं ये अनलॉक कर लेती हूँ। पैल बॉक्स है कुछ, ये भी अनलॉक कर लेती हूँ। फायर तो चाहिए भाई रात में, यहाँ पे चाहिए। वुडन का चेस्ट बॉक्स चाहिए मुझे, रिपेयरिंग बिल्कुल चाहिए, टूल्स वगैरह घर बनाने के लिए चाहिए। ये क्यों लिया मैंने? बेड चाहिए भाई सोने के लिए, अगर पोकेमोन लेती हूँ तो उनके लिए बेड चाहिए। कपड़े चाहिए यार, सीरियसली कपड़े वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेयरिंग टूल ले लेती हूँ, बस ये चीज़ें अभी मेरी हो जाएंगी रेडी। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मैं क्या क्या बना सकती हूँ। हाँ ये रिपेयरिंग बेंच बनाने के लिए मुझे स्टोन की ज़रूरत है, स्टोन नहीं है मेरे पास, तो मेरे को स्टोन कलेक्ट करने होंगे। यार मैंने ना, मुझे हर एक स्पॉट पे अलग अलग बेंच बनाने होंगे। ये वाला स्टोन आएगा काम? हाँ। अबे आग क्यों निकल रही है? अरे जीएम ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो अभी मैं स्टोन को तोड़ती हूँ और हाँ यही चाहिए मुझे। शुक्र है भाई, बेंच मुझे अपनी यहाँ बनानी चाहिए। चलो एक और यहाँ बना लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा दूर जाना ही ना पड़े। मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है गाइस, और मुझे वहाँ तक जाना है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यही बना ही लूँ एक, है ना। एक यहाँ पे असेंबल कर दिया मैंने, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो गाइस ये बढ़िया सा मेरा रिपेयरिंग टेबल भी रेडी हो चुका है। मेरे ये टास्क जो थे वो कम्प्लीट हो चुके हैं, और मुझे लगता है मुझे और स्टोन की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर तबड़ तो, और स्टोरेज तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे लगता है पहले मुझे और कुछ नहीं मिलेगा क्या? अबे यार ये तो गलत है इनका। नहीं चेस्ट बॉक्स मिला ना, चेस्ट मिला एक मुझे। तो यहाँ पे इसको सीधा कैसे करने का है ऐसे? वे ये सीधा कैसे होगी ऐसे? अब पता नहीं ये कैसी सीधी होगी, मैंने इसे रख दिया ऐसे। तो गाइस ये चेस्ट बॉक्स बना लिया है मैंने यहाँ, ताकि मैं जो भी सामान कलेक्ट करूँ इजीली मैं इसमें रख सकूँ। तो मैं अभी अपने ये स्टोन ये इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, ये भी शिफ्ट कर देती हूँ, बैरीज शीट्स कर देती हूँ, ठीक है। ये सब मैं खा लूँगी,
क्योंकि मैंने करी ना गलती, ये उल्टा था यार। यार ये पता ही नहीं चलता इसमें, अब हम इसमें रोटेट भी कैसे करेंगे। चलो यार ओके गाइस, तो अभी नेक्स्ट मुझे यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ? नहीं, ऑल डन है ये तो अभी मुझे देखना होगा और भी कुछ नहीं बन सकता है, तो मुझे वुड और इकट्ठी करनी पड़ेगी। मैं पेड़ तो यहीं पास में ही है, ये देखो चारों तरफ तो पेड़ ही पेड़ है भाई। ले भाई अभी कर देते हैं पेड़ का काम। भाई बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा कहावत है, यहीं पे बगल में ही पेड़ है। और ये लो पेड़ की बारिश कर दी मैंने, तो इतनी लकड़ियां तोड़ूंगी, इतनी लकड़ियां तोड़ूंगी जितनी तुमने सोची भी ना होगी। ठीक है भैया, पर यहाँ माइनक्राफ्ट में हम लकड़ियां ही तोड़ तोड़ के आए हैं, पूरे के पूरे खत्म कर देते थे पेड़ जिस जगह पे हम घर बनाते थे। चलो भाई अभी चेक करते हैं, ये हो गए वुड, हो गए हमारे पास, और अभी मेरे को स्टोन की बहुत सख्त जरूरत है। स्टोन भी देखो गाइस कितना बढ़िया ये रहा यहाँ पे। और जी एम तो अभी स्टोन तोड़ लेते हैं, और स्टोन से जो जो चीज़ें होंगी, क्योंकि मोस्ट रिक्वायरमेंट इस गेम में सबसे पहले स्पॉन होते हैं इन्हीं चीज़ों की। और मुझे अभी रात होने से पहले सर्वाइव भी करना है, सर्वाइव कैसे करना होगा मुझे नहीं पता अभी, क्या क्या मैं और बना सकती हूँ। तो वुड और स्टोन से तो मोस्टली सारी चीज़ें बनती है, तो मैं इसीलिए फटाफट से ये काम कर लेती हूँ और अपनी चेस बॉक्स में ये सब रख दूंगी, है ना, तो मेरे लिए इजी रहेगा। क्योंकि रात होने से पहले क्या मैं बॉक्स बना पाऊंगी, बॉक्स नहीं सॉरी अपना बेड। राइट, ट्राई करती हूँ, है ना, मैं तो पत्थर ही तोड़ती रह जाऊंगी इस हिसाब से। तो रात होने को आ रही है, तुम्हें दिख रहा है नीचे रात होने का वो सर्कल सा चल रहा है, पर मैं यहाँ तबड़ तोड़। अब मेरे पास इतना वजन हो गया जी एम कि आप उड़े भी भाई चमक छल चल ही नहीं पा रही है तुम्हारी जी एम। लालची तो यार बगल में ही था स्टोन जी एम कुछ तो ड्रॉप करना पड़ेगा यार रुको यही ड्रॉप कर देते हैं, बाद में ले लेंगे, है ना। हमने माइनक्राफ्ट में भी बहुत ये सब किया, अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा भाई, ये ड्रॉप कर देते हैं, थोड़ी और स्पीड बढ़ेगी, हल्की सी बढ़ी, ज़्यादा तो नहीं बढ़ी क्योंकि पत्थरों में इतना वजन है कि मैं क्या बताऊँ यार। चेस्ट उल्टी बन गई यार दो बार, मुझे ये काम करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एनीवे अभी मैं अपने सारे डाल देती हूँ उसमें और आगे बढ़ती हूँ। अभी मेरी इन्वेंट्री हो गई खाली, अभी मैं फटाफट इसको ले लेती हूँ और आगे का काम शुरू करती हूँ। भाई चेस्ट में रखो, ओके ये रख दी, अच्छा चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो इन्वेंट्री खुल जाएगी, फालतू का नहीं सोचने का। तो अभी यहाँ पर मैं क्या और बना सकती हूँ? चेस्ट बॉक्स नहीं भाई, अच्छा ये भी नहीं बना सकती, घर भी नहीं बना सकती, बहुत सारा वुड चाहिए, तो यार काम तो बहुत करना पड़ेगा मुझे, वुड चाहिए भाई गाइस। तो ये पेड़ किस काम आएंगे? इतना तो वुड मैंने तोड़ा, उससे कुछ बन ही नहीं सकता, तो बड़ी मेहनत है और ये रात हो जाएगी, मुझे लग रहा है मुझे ऐं ही सर्वाइव करना पड़ेगा, है ना। रुको यार हील हो रही हूँ मैं, पेड़ तो इर्द गिर्द बहुत है मेरे, झरना भी मस्त बह रहा है ना, व्यूज तो मस्त लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ? अबे यार नाइस, तो अभी मुझे लग रहा है कि ब्लू सा कुछ हुआ है, यानी कि मेरा एक टास्क और कंप्लीट हुआ है, तो मुझे अभी देखना पड़ेगा कि मैं और क्या बना सकती हूँ, ये सब तो नहीं बना सकती। ओके हाँ ये बनाते हैं ना, ये भी नहीं बना सकती, आग बना सकती हूँ, बेड भी नहीं बना सकती, घर बना सकती हूँ। ओके चलो चलो पहले घर बना लेते हैं, रात को सोने से घर कहाँ बनाऊँ, अरे घर कहाँ बनाऊँ मैं, इतनी दूर बनाऊँ, कुछ ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगा घर, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देती है ना। चलो ओके, तो गाइस ऐसे करके आपको ये फ्लोर मतलब फर्नीचर ऐसे मिलेगा, और आपको ऐसे यहाँ पे लगाते रहना पड़ेगा। जैसे मैं तो थोड़ा बड़ा है बना रही हूँ, पता नहीं छोटा तो मुझे नहीं लगता, इतने में एक बेड तो आना चाहिए, तो मैं बड़ा ही बना रही हूँ यहाँ पे मैं। ओके एक तरफ मैं ऐसे लगाऊंगी, एक तरफ विंडो वाली लगाऊंगी, है ना, तो मस्त व्यू आएगा।
आप यहाँ से देख भी सकते हो, यहाँ पर भी मैं सेम ऐसी करूँगी, यहाँ पे मैं ये वाली लगाऊंगी और यहाँ पर मैं ये विंडो वाली लगाऊंगी। ओह नाइस भाई, जोर लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। और यहाँ से मैं एंट्रेंस दूंगी, यहाँ पर भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा इस जगह विंडो वाली और इस जगह मैं ये वाली लगाऊंगी, ठीक है। तो मतलब कि आप देख सकते हो चारों तरफ से, कुछ ज़्यादा ओपन ओपन नहीं हुआ, विंडो विंडो हो गई है, पता ना भाई विंडो ही विंडो ज़्यादा हो गई, ठीक है यार। तो ये हो गई रूफ, और रूफ है ये री रूफ, नाइस वन भाई। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, रू स्टेयर्स। अबे मैं बैठी क्यों, हाँ ये कुछ स्टेयर वगैरह भी है, लगा सकते हैं क्या, नहीं नहीं अच्छा ये कुछ ऐसे लगेगी इस पैटर्न में, वो ऊपर जाने के लिए तो आपको वो वाला एरिया हटाना पड़ेगा। अच्छा मैं इसको हटा देती हूँ, अबे सभी हट गए, तो ले भाई हटाना, ये तो रूफ है, इधर तो रूफ लगा ही दे, है ना। ये हो गया मेरा घर, अब मेरे को करना क्या था, हाँ यहाँ पे अपना ये लगाना था, और वो क्या था, ये था ना ये चीज़ स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। तो ये स्टेयर ऐसे कैसे लगेगी यार, नहीं नहीं ऐसे नहीं लगानी है मुझे, ऐसे भी नहीं लगानी, ऐसे भी नहीं लगानी लगेगी। हाँ इसे हम रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ओ ओ इस लेयर में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये वाला कर देते हैं, ठीक है। मस्त लग रहा है यार, तुम्हें कैसा लग रहा है बताना, कुछ भी कर लिया मैंने तो। ये गेट यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। बाकी ओपन रहेगा, कुछ अजीब नहीं हुआ यार, यहाँ मैं कुछ और लगा सकती हूँ क्या, हाँ ओके आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, नाइस वन, नाइस वन जी है। तो अंदर से भी मुझे ऐसे करना होगा, रुको अबे रुको यार, यहाँ से घुसना पड़ेगा। तो अभी ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मुझे वो ट्रायंगल वाला ये है ना इसको फिट करना होगा। तो रात होती जा रही है और मैंने अभी तक बेड भी नहीं बनाया है, हो सकता है क्या, हाँ पता नहीं मैंने क्या किया, ये ऊपर का तो बंद नहीं हुआ, ये ऊपर कैसे लगेगा ये, अबे यार रात हो गई अब तो, छोड़ो भाई बेड बन नहीं सकता, बेड के लिए मुझे क्या चाहिए। और तो गाइज मुझे लगता है आज रात मुझे कुछ ऐसे ही कैंडल लेके सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे लकड़ियाँ चाहिए, स्टोन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और मैं अभी कुछ बना नहीं सकती। पेड़ को काटते हैं ना, हील हो जाऊं मैं, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी उसको फिर से, इतना सारा सामान हो गया मेरी इन्वेंट्री में कि मुझे कुछ ना कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ओके ड्रॉप करने से अच्छा जो मेरे पास चीज़ें खाने वाली हैं उसको मैं पहले खा लूँ, मेरी हेल्थ भी कम हो रही है। और ओके फाइनली सॉरी बेरीज मैं खा गई, पेट तो नहीं ख़राब होता इतनी सारी बेरीज खाने का। मटन पटन भी ले लिया मैंने, अब तो कुछ कम होना चाहिए, नहीं कम होगा भाई, ये मैं आपको कुछ तो ड्रॉप करना पड़ेगा, यही ड्रॉप कर देती हूँ ये, तब भी नहीं कम हुआ भाई, स्टोन कम करने पड़ेंगे और तब देखते हैं कितनी दूर मैं चल पाऊँगी। हाँ ठीक है थोड़ा बहुत मैं चल पाई, और मेरी टेबल है किधर गाइस, टेबल किधर है, अबे यार अब ये हो गई ना कन्फ्यूज़न, पर टेबल ही नहीं नज़र आ रही, टेबल लगाई कहाँ थी मैंने, अब अच्छा कैंडल, मेरा दिमाग भी देखो जो मेरे हाथ में ये है बोरी टेबल, तो मैं ये क्यों नहीं चल जला के चला रही, ठीक है गाइस पहला पहला गेम है, होता है सबके साथ होता है। नहीं इसमें कुछ कर सकते, अच्छा ये सब तो हो गया मेरा, ओके ये नहीं कर सकते, इनसफिशियंट है, बेड भी नहीं कर सकते, ओनली घर कर सकते हैं ओके। तो आज रात तो मुझे ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा, और मुझे पहले
इसमें सामान रखना होगा। तो मैं इसको खोल के इसमें अपना ये सामान रख दिया मैंने, ये सब चीज़ें रख दी। अभी जाती हूँ और क्या चीज़ें हैं यार, इतनी रात में मुझे काम करना ना बड़ा डर लग रहा है। अबे पागल हो गई मैं, किससे तोड़, अबे डंडे से क्यों तोड़ रही मैं, दिमाग देखो मेरा। मैं उससे डर, एक तो अंधेरे में दिख नहीं रहा है ना कुछ, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसे ये पेड़ वेड़ कई सारे तोड़ने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठंड भी लग रही है अब तो। चलो फटाफट चेस्ट में इकट्ठे करती जाऊँ मैं जितने भी ये मिल जाए मेरे को, है ना। और ये कौन सा स्टोन है भाई, इसको भी तोड़ ही लेते हैं। ठंड में देख लो तुम्हारी गेमर मम्मी कितनी मेहनती है, ठंड में काम करे जा रही है। ये ऑरेक्स कुछ है, मुझे लगा मेरे हाथ पे चीटी आ गई। ये स्टोन भी काम आएगा शायद से, है ना। तो इस अच्छा इस ये भी किसी चीज़ के काम आएगा। उस साइड जाना पड़ेगा क्या मुझे, यहाँ पर जाने के लिए क्या रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है भाई। एक ये है तो इसको भी, एक तो अंधेरे में दिख ही नहीं रहा है भाई। अच्छा ये वो वाला स्टोन है जिससे हम पोकेमोन को पकड़ सकते हो, जो ब्लू कलर का एक वो बनता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो उसका स्टोन है ये। तो ये बड़े काम की चीज़ है, तो अभी हमें ये बनानी है फटाफट से, है ना। तो ये मैं देखती हूँ क्या क्या बन सकता है। पहले तो मैं रिपेयर नहीं, इसको रिपेयर कर लूँ, नहीं हो सकता कुछ भी। स्टोन वुड दो और चाहिए, कम है अबे यार, कितना वुड लेंगे ये, देख रहे सारे पेड़ ही ख़त्म करवा देंगे भाई। भाई और गई ओके। तो अभी मैं ये वुड इकट्ठा हो गया मेरे पास, वुड हो गया मेरे पास, स्टोन भी काफ़ी है मेरे पास। और कितना स्टोन लोगे भाई, खाने पीने, खाना तो ओके ये अभी भी नहीं बना सकती मैं, ओके कर क्या सकती हूँ, कुछ भी नहीं बना सकती, मेरे पास अनसफिशिएंट मटेरियल है। मुझे फायर वूल चाहिए और सब तो है मेरे पास इतना कुछ। कोई नहीं गाइस, अभी रात हो रही है और थोड़ी देर में ही सवेरा हो जाएगा, तब तक मैं आसपास एक्सप्लोर करके आती हूँ। ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ये स्टोन पड़ा है और क्या है यहाँ पे, देखो ये कितने क्यूट क्यूट पोकेमोन वो है, इसका नाम क्या है, तो नाम क्या है इसका, उसका नाम तो वो दिख रहा था पर दिखा नहीं। ये देखो सब कैसे सो रहे हैं, दिख रहे हो गाइस, ये देखो कितना क्यूट है, वाओ। अबे तेरा मुंह किधर से है, अबे इसका मुंह किधर से है, अच्छा ये रहा इसका फेस, ओके। तो गाइस यहाँ पे सभी सो रहे हैं, बस एक मैं ही भटक रही हूँ। ये बैरिज वगैरह हैं, अरे मैं ज़्यादा किसी से पंगे नहीं लूँगी, बस मैं अपने काम पे फोकस करूँगी कि ओके मेरा बेस इधर ही है ना, हाँ कि मेरा ये ग्रीन कलर का क्या चमक रहा है भाई, ये क्या है, ओह कोई चीज़ थी पर मुझे समझ नहीं आई क्या चीज़ थी। सवेरा भी होने को है, हल्का हल्का शुरू हो चुका है, तो अभी मैं अपने बेस के आसपास ही रहती हूँ भाई। स्टोन ले लेते हैं, स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। अबे मेरा घर कहाँ गया, अबे मैं घर भूल गई यार, मेरा घर कहाँ गया, ये पत्थर कितना चमचमा रहा है, ये ऐसा पत्थर क्यों है भाई। एक तो गाइस तुम लोग ना इस वीडियो के बाद प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे बताना कि जी है अभी आप ये करो, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है और इसमें क्या क्या करना है। मेरा घर खो गया यार, नहीं बोल रहा तो रहा,
अलग ही दिख रहा है इतना बड़ा घर, उजाला भी होने लगा धीरे धीरे। फटाफट से मैं अपनी घर की तरफ बढ़ती हूँ, और आज तो फाइनली मैंने सोचा है ना कि मैं अपना घर बना लूँगी, है ना, और घर नहीं बेड बना लूँगी। क्या कह रही हूँ, मैं घर बना लूँगी, घर तो मैंने बना लिया, तो अभी मुझे अपना बेड बनाना है, ठीक है। अभी ये मैं टेबल के पास आती हूँ, मैं क्या क्या और कर सकती हूँ, नहीं कर सकती यार, कुछ नहीं कर सकती ये ना। पहले तो मैं खा लेती हूँ कुछ, मेरी हेल्थ पूरी रहनी चाहिए, और क्या ये तो जिम करनी ज़रूरत है, तो चिपक ही जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसमें भी कुछ कर सकते हैं, इसको मैं रिपेयर कर लेती हूँ, है ना। रिपेयर, अच्छा ऑटोमेटिक रिपेयर हो गया भाई, इसमें कुछ ऐसे वो नहीं करना आपको। ओके ओके ओके। सो गाइज, अभी हमारे को कुछ भी नहीं कर सकती भाई, मैं सब कुछ होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो अभी मुझे ना इन इनको भी मारना पड़ेगा क्या। अबे ये तो भागे जा रही है, भागे जा रही है, सब भाग क्यों रहे हैं मुझसे, मैंने किया क्या इनका, ऐसे भाग रहे हैं जैसे भाई मैंने पता नहीं क्या कर दिया। ओ भाई, और किसी से पंगा मत लो जी, है मुझे लग रहा है वो काला वाला पीछे पड़ गया भाई, भागो भागो। ओए देखा, अरे मेरे राम जी, भाग गया ये तो। ये वाले ठीक है मुझे लगता है, इनको मार के यार कुछ नहीं करते, कुछ हो सकता है। अबे यार, अबे तो कुछ, अबे मेरे पास वो ही नहीं है यार, वो जो वो होते हैं। अच्छा वो देखो उसका दोस्त है लगता है भाई, सब कैसे मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। तो ये वाले स्टोन मुझे कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसी से ही वो बनेंगे। और मुझे वैसे तो अभी देखती, ओए भाई देख लो गाइस, गुस्सा इन लोगों का। अबे मेरा घर कहाँ है बुरा भाई, गुस्सा देखो इनका, कि भैया मैंने इनके साथ ऐसा क्यों किया, देख रहे गुस्सा। ओ भाई भागो भाई, तो ये बना सकती हूँ मैं, ये सही है। इससे मैंने देखा था, इससे क्या होता है कि आप जहाँ होते हो ना वहाँ से ये आपको वापस से वहीं पे रिस्पॉन हो जाते हो, मतलब ये एक हाईलाइटर की तरह और रिस्पॉन कर देता है आपको। ये क्या हो गया मेरे को, ये देखो ये मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया, और ये जो आप पॉकीमोन पकड़ोगे ना उनको भी हैंडल करने का काम करता है। देखो यहाँ पे आप पॉकीमोन रख सकते हो, काम वाम कर सकते हो, ऐसा मैंने देखा था एक वीडियो में। तो अभी घर बन गया है, अभी मैं और क्या बना सकती हूँ। ओके बेड बन सकता है क्या, यस बेड बन सकता है, बेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो अभी अपना बेड लेके चलते हैं। अबे छत पे नहीं लगाना जीएम, पागल हो गई हो, तो खिड़की के पास में हमारा बेड मस्त लगेगा थोड़ा सा, इधर थोड़ा आगे हो जाओ, हाँ पोजीशन ठीक है। तो अभी ये बेड हमने लगा दिया खिड़की के पास, मस्त व्यू भी आएगा और अच्छा लग रहा है। इधर अपने और चीज़ें वीचे कुछ होंगी तो लगा लेंगे, है ना। इसको तो और एक्सटेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो ये कितने दिमाग का मेरा चलने लगा है, जैसे माइनक्राफ्ट में करते थे ना हम। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मेरा बेड लग चुका है, और मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर रही हूँ, रिलैक्स हो चुका जी एम, चलो काम पे गेट अप, यस। तो अभी ये फ़ायदा हो गया मुझे, ये सब नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि ज़्यादा रात का वो नहीं करना पड़ेगा। और मैं जो पॉकीमोन पकड़ूंगी ना उनको भी मैं अपने यहाँ पर सी रख सकती हूँ, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ ना, उनके सोने के लिए। को भी बिल्ड करना है, अच्छा अबे डायरेक्शन तो ये है, वही तो मैं कहूँ भाई। तो यहाँ पर हमारे पॉकीमोन भी दिखते रहेंगे आराम से विंडो में से, और इसको मैं फटाफट से बिल्ड कर देती हूँ। मस्त व्यू है भाई, झरने के पास घर अच्छा लग रहा है ना, ऊपर भी अच्छा लगता अगर मैं ऊपर बनाती, पर ठीक है ऊपर बहुत जाना पड़ता। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ये बना दिया, और क्या क्या अभी मैं बना सकती हूँ मैं चेक करती हूँ।
ये और बना सकते हो? नहीं चाहिए तो और क्या क्या चाहिए? सब चीज़ें हैं, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है। चेस्ट बॉक्स एक और ले लेते हो, है ना, क्योंकि चेस्ट बॉक्स काम ही आएगी। तो अभी मुझे एक पॉकीमोन देखो मुझे मिल चुका है, जिसका नाम है लैम्बेल। लैम्बेल तो ये मुझे मिल चुकी है। ऐसे ही मुझे और कलेक्ट करने। अच्छा, ओ तो ये मैं कितने बना सकती हूँ? मैक्स 44। भाई तो 44 बनाने में कितना टाइम लगेगा बाबू शाय? तब तक हम चाय पी के आए। बस भाई अभी इतना ही बहुत है। अबे और नहीं, पूरे कंप्लीट करना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ है क्या भाई? बाद में करती हूँ मैं, अभी अब किसी को पकड़ूँ तो अब मैं इन सबको पकड़ सकती हूँ। अबे नहीं आई है। एक आई भाई, वाह नाइस वन। एक को मैंने पकड़ लिया। अबे सब नाराज क्यों हो गई मेरे से कि मैंने इनके दोस्त को छीन लिया? भाई इन सबको तो मैंने पकड़ लिया, और औरों को भी पकड़ना है भाई। तो और कहाँ मिलेंगे मुझे पॉकीमोन जिन्हें मैं पकड़ूं? तो ये बैरिस वैरिस तो बहुत है भाई यहाँ पर। मस्त भाई, वही 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 फील आ रही है देख के। अबे और तो सारे भाग गए। ये देखो कैसे लड़ने आ गया अपने दोस्त के लिए। अच्छा वेरी स्मार्ट ब्रो, वेरी स्मार्ट। तो गाइस अभी ऊपर देखते हैं हमारे ऊपर कोई मिले। अभी मुझे औरों को भी पकड़ना है। वो है कहाँ? ओ वो देखो ऊपर जा रहे। ये सारे मैं यही थोड़े पकड़ूंगी। तो इसने मुझे बोल दिया, आ जा बेटे, आ जा आ जा। भाई मस्त मजा आ रहा है। पर ये कहेंगे इन्होंने तो आते ही जी हमने यहाँ पर आतंक मचा दिया। तो अभी फटाफट से मैं देखती हूँ मैं और क्या क्या बना सकती हूँ। तो मैं फिलहाल रख देती हूँ ये, ओके स्टोन रख देती हूँ, ये भी रख देती हूँ, ये भी रख देती हूँ। मेरी इन्वेंट्री खाली रहनी चाहिए, ये भी रख देती हूँ। और फिर कॉल लड़ने आया। ए हेलो, क्यों भाई क्यों 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 भाई? तो गाइस अभी अच्छा इसको मुझे कंप्लीट करना होगा। तो मेरा इनको बनाते बनाते गाइस तुम देख सकते हो लेवल अप हो रहा है। देख रहे हो कितना सारा मेरा लेवल अप हो रहा है। ओ भाई 12, भाई स्वीट में लेवल अप हो रहा है। देख रहे हो मेहनत का फल मिलता है, इससे ये पता चलता है। लाशें बिछा दी मैंने आते यहाँ पर। लेवल अप हो रहा है, देख रहे हो। अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी और क्या चीज़ मैं बना सकती हूँ ये देख लेती हूँ। चेस्ट बॉक्स बना सकती हूँ, और के ये फायर, हाँ भाई ये वाला जला लेते हैं क्योंकि रात होगी और रात में फिर ना दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोचूँ ये एरिया ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसको बिल्ड कर, ताकि सेफ भी रहेगा और ठीक भी रहेगा, मुझे दूर से भी दिखेगा है ना ये फायर जलते हुए। तो एक फायर के लिए एक सिक्योर एरिया हो गया मैंने यहाँ पे कर लिया। मतलब अब तो मेरे दिमाग में इतना इतना चल रहा है ना। अच्छा ये सब हम इसमें रोस्ट कर सकते हैं। ओके तो और क्या बना सकते हैं? और एक बना लेती हूँ, थोड़े से डिस्टेंस बनाओ, यही बनाओ। सोचो थोड़े डिस्टेंस पे बना लेती हूँ यहाँ पे, है ना ठीक है, क्योंकि एकदम पास पास में रहेगा आग लगने का डर रहता है। वो ज़्यादा पास हो गया मेरे घर के, पर नहीं लगेगी आग। नाइस, तो अभी मैंने ये दो बना लिए और मुझे इससे काफ़ी रोशनी भी मिलेगी। एक मैं अपने घर के पास भी यहाँ भी लगा लेती हूँ, थोड़ा यहाँ पे है ना रोशनी रहेगी। नहीं, यहाँ तो ये मेरे पॉकीमोन का बेड होगा, तो मुझे कुछ ऐसे एरिया में भी लगाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे रोशनी मिल सके, है ना। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ, ओए वो कौन आया भाई? तो कौन था वो? पहले मैं इसको बिल्ड कर देती हूँ। मेरे घर के पीछे से कोई गया। मर्चेंट, वंडरिंग मर्चेंट, तो मैं उसको देख कर आती हूँ गाइस वो कौन था, है ना। हेलो 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 हेलो,
हेलो हेलो, वेलकम यू गॉट इस गुड टाइम टू स्टॉक स्टॉक। अच्छा, मैं कुछ बेच सकती हूँ इनको और बाय करना हो तो क्या करूँगी? ओ, मैं ये चीज़ें बाय कर सकती हूँ, पर अभी तो मेरे पास खुद ही इतना पैसा नहीं है भाई। तो गाइज, अभी मैं और क्या बना सकती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ फटाफट से। हाँ, ये रहे मेरे पॉकीमोन, इनको मैं काम पे लगा सकती हूँ। हाँ ओके, तो अभी इस पॉकीमोन को मैं यहाँ लगा सकती हूँ, इसको भी यहाँ ला सकती हूँ, और इसको भी यहाँ ला सकती हूँ, और इसको यहाँ ला के क्या मैं काम पे लगा सकती हूँ? और भी आ जाएंगे? नहीं, एक ही आएगा। तो ये सब लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। चलो, अभी मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और अब मैं एक्सप्लोर करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सुंदर व्यू है मेरे घर के आगे, और मुझे अभी ये टेंशन नहीं है कि मेरा घर कहाँ है और मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना गाइस? तो अभी चलते हैं आगे, और हाँ, ये पकड़ना है वो वाला पॉकीमॉन, वो जो भाग रहे हैं। अभी मैंने इन्हें नहीं पकड़ा है, और मुझे, अरे बहुत सारी चीज़ें पकड़नी है। रुको रुको रुको, ये भाग रहा है। अबे रुकोगे भाई? हेलो 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 हेलो, यार इसको मैं कैसे पकड़ूँ? ये तो भाग ही जा रहा है। यार मुझसे दोस्ती करो ना यार, ये तो भाग ही जा रहा है, भाग ही जा रहा है। मैं क्या करूँ इसका? भाग गया यार। एक और पॉकीमोन मैंने पकड़ लिया। ये आइए, आजा 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 आजा। तो गाइस, एक और मैंने पॉकीमोन पकड़ लिया है, और मुझे लग रहा है इसका ये दोस्त भी मैं पकड़ लूँ, पर ये नहीं। गुस्सा क्यों कर रहा है भाई, बेवकूफ? आजा, उसे गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसके दोस्त से उसे अलग कर दिया, है ना। एक बोरा 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 बोरा, देखो गाइस ये रहा। अबे ये तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। ये क्या, ओ काम कर रही है भाई। अब इसको पकड़, ये इसको भी हमने पकड़ लिया, नाइस। तो अभी मेरे पास ये हो गए दो, और दो मेरे पास ये भी हो गए। अभी और कौन से पॉकीमोन मिलेंगे जिन्हें मैं फटाफट से पकड़ लूं? मजा आएगा यार इनके साथ रहने में भी ना। नहीं, ओ ये रह गया ना, इसको पकड़ेंगे। अभी रुको, मेरी हेल्थ पूरी होने दो चिकीपी, तुमको मैं लेके जाऊंगी। इसको भी हमने कैप्चर कर लिया है, चिकी पी को। टन टन, और कौन है, और कौन है, और भी कोई है? ओ भाई, ये स्टोन चमचमा रहा है, इसको ले ले क्या? इसी से ही तो ये, इनको हम पकड़ सकते हैं, इनको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये स्टोन बड़े काम किया भाई, फाइनली मैंने ले लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। मैं फिर से पानी में कूद गई यार, कि मैंने गलती करी। और यार 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 यार, किधर से, इधर से, इधर से। जब जीएम जाने का रास्ता है तो आप गलती क्यों करते? मेरा घर क्या है? बोरा। अबे मेरा घर कहाँ है? अबे घर किधर है यार? ये क्या है? वही एक चेस्ट बॉक्स रखी है, नाइस। ओ, इसमें मुझे गोल्ड कॉइन मिले हैं, ब्रेड मिली है, लो ग्रेड मेडिकल सप्लीमेंट मिले हैं। ओके नाइस, बढ़िया बढ़िया, ये सब चीज़ तो सही मिल गई मुझे। हो रहा मेरा घर, और मुझे फटाफट घर की तरफ बढ़ना है। नहीं, घर तो नहीं दिखा मुझे, मेरा घर कहाँ है? अबे मैंने घर तो ऐसी जगह बनाया था जो दिखे। हाँ, ये झरने के पास ही था वो रहा ऊपर। तो गाइज वो देखो, मेरे को थोड़ा सा और पेड़ के पास भी फायर लगाना पड़ेगा, ताकि मुझे उजाला दिखे और मैं फटाफट से अपने घर की तरफ बढ़ सकूँ, है ना। तो थोड़ा और आसपास मैं ये लगा दूंगी। स्टेमिना कम होने लगता है भाई, स्पीड में काम, स्टेमिना बढ़ने का भी कुछ होना चाहिए। चलो अभी मैं थोड़ा सा आगे भी लगा दूंगी। अभी मुझे आके मेरे टेबल, तो रिपेयर ऑल, तो मैं रिपेयर कर लेती हूँ सारी चीज़ें अपनी। और मेरे पास क्या है अभी, मैं क्या और कर सकती हूँ? ओके, ये चीज़ें आ गई मेरे पास। चेस्ट बॉक्स है, फायर है अभी। अच्छा, ये तो हो गया बस। तो अभी मुझे लगता है मुझे फायर वाला और यहाँ पे लगा देना चाहिए थोड़ा सा,
ए इस पॉइंट पे है ना, तो मुझे दूर से ही दिखेगा। ओके ये रहा, तो थोड़ा मैं इस पॉइंट पे इनको लगा देती हूँ। तो ये मैं नीचे जितना जाऊंगी ना, मुझे ऊपर से ही दिखेगा ये पॉइंट पे, है ना, चारों तरफ रोशनी रहेगी तो बढ़िया रहेगा यार। देखो अब मैं इस पॉइंट पे भी यहाँ पे लगा देती हूँ, है ना, बेस्ट है ना। एक और बना देते हैं, अब देखो दूर से ही अलग रोशनी दिखेगी और मस्त लगेगा, मजा आ रहा है यार, सीरियसली दिल खुश हो गया। अच्छा मैं इसमें कुछ पका भी सकती हूँ। ओके मैक्स कितने, दो। अच्छा तो ये मैं अपने जो मेरे पॉकीमोन है उनके लिए, इसमें डॉग उनके लिए, या शायद मुझे लगता है मैं खुद भी खा सकती हूँ। हाँ बारबी क्यू जैसी चीज़ें हो गई है। ओके और क्या कर सकती हूँ, नाइस, ये मैं खुद भी खा सकती हूँ। ओ इनको भी खिला सकती हूँ। अच्छा सही है यार ये तो, है ना, मस्त लगा ना। तो अभी ओके कपड़े बनाने हैं मुझे, है ना, अपने लिए कपड़े बनाऊँ। कपड़े कैसे बनेंगे यार, मुझे क्या चाहिए, और ये चीज़ें तो हो गई मेरे पास, अभी मुझे कुछ अनलॉक करना पड़ेगा ना। अच्छा टेक्नोलॉजी में आते हैं तो हमारा लेवल हो गया है 6। भाई काफ़ी आगे तक आ गई मैं, 6 लेवल हो गया है, जिसके लिए मैं ये सब चीज़ें मेरे लिए अनलॉक हो चुकी है। ठीक है तो मैं इसमें से ज़रूरत की चीज़ें सब ले लूँ। ये क्या है, बेरी बेरीज, अच्छा ये यहाँ पे बेरीज का कुछ होता होगा। फायर बो ये भी ले लेती, भाई काम आएगा, ये भी ले लेती हूँ। ये वो है ऐसे करके उड़ते हैं, अच्छा नॉर्मल पैराशूट है ये। अच्छा ये कपड़े भाई इम्पोर्टेंट है कपड़े, ये फूड ग्रेड कुछ चीज़ है। ये क्या है, कॉमन शील्ड है, चलो ये तो ले लेते हैं। और इन सब चीज़ों कितनी वो ले लेते हैं भाई, कोई ख़तरनाक वो आ गया तो प्रॉब्लम होगी, ये भी ले लेते हैं। स्टैचू पावर क्यों लिया मैंने यार, ज़रूरत नहीं थी। ये क्या है, माउंटेन टॉर्च, अच्छा कई जगह जगह लगाने वाली होगी, ये भी ले लेते हैं। और तो और नहीं ले सकते भाई, बस हो गया। तो अभी बाकी चीज़ें मुझे इतनी ही अनलॉक हुई है, तो अभी देखते हैं मैं इनमें से क्या क्या बना सकती हूँ, है ना। अच्छा ये फायर हो गया, ये फूड बॉक्स, ये फूड बॉक्स को क्या करना होगा। ओ नाइस, फूड बॉक्स को क्या करेंगे हम, अभी कुछ नहीं करते हैं भाई। मैं ऊपर क्यों चढ़ने लगती हूँ भाई, मैं बंदर हूँ क्या, ऊपर ही चढ़ने लग जाती हूँ भाई, रुको। और ये क्या है, बेरी शीट्स, ये मुझे लगता है इसमें बेरीज उगेंगी क्या, तो मुझे कोई ऐसी जगह लगाना चाहिए यहाँ पर, है ना, तो इनको, हाँ इसमें बेरीज उगेंगी। ये एक जैसे हमें बेरीज के लिए कहीं दूर नहीं जाए, ऑटोमेटिक इसमें बन के और हमारी इन्वेंट्री में आ जाएगी। ओके भाई बिल्कुल माइंड खराब है भाई नाइस यार, बिल्कुल नहीं, काफ़ी हद तक माइनक्राफ्ट गेंशिन इंपैक्ट जैसे कई चीज़ों का मिक्सचर सा है, मस्त लग रहा है भाई। देखो सामने झरना, चांदनी रात, ओए होए क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा, और भी कर सकती हूँ मैं, तो मैं और भी कर लेती हूँ, क्योंकि देखो खाने पीने का तो जिंदा रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, तो मैंने इसको और कर लिया है, दो लगा लिए हैं, तीन लगा लेते हैं, है ना। ये हमारे पॉकीमोन काम कब करेंगे यार, सबके पॉकीमोन काम करते हैं, मेरे कब करेंगे। क्या लेवल कंप्लीट करना होगा यार मुझे, या रात में करते ही नहीं है काम, वो तो सो रहा है भाई अपने बेड पे मजे से। क्या मस्त ग्राफिक है यार, ओ वाओ भाई मज़ा आ गया। तो अभी इसमें हम प्लांटिंग कर सकते हैं, सीड्स वगैरह डाल सकते हैं, तो मैं सोचूं डालूं क्या। अच्छा ये रहे सीड्स भाई, सवेरे डालेंगे अभी नहीं। और क्या कर सकती हूँ मैं, अच्छा ये हो गया, और
अच्छा ये क्या चीज़ थी? ये अ माउंटेन टॉर्च। अच्छा इसे कहाँ लगाएंगे माउंटेन टॉर्च को? माउंटेन टॉर्च चाहिए, यहाँ लगा दे क्या? अरे वाह ये मस्त चीज है यार माउंटेन टॉर्च। तो अब इससे क्या हुआ? ओ जल गई। अरे जैसे मैंने वो लगाया इससे बेटर ये होगी। अच्छा तो मुझे जगह जगह ये टॉर्च लगा सकती हूँ मैं, और भी लगा सकती हूँ यार स्पॉट पे कहीं कहीं। अच्छा, अपने घर के पास लगा देती हूँ एक। अबे जीएम इधर है। अरे वाह वाह, मतलब इतनी रोशनी रहेगी तो रोशनी से फर्क पड़ता है ना। ओ मशाल समझ लो, ये मैंने ये जला दिए ना, मैं वो ही तो करना चाह रही थी। ओके ओके तो अभी घर के इस साइड भी लगा देते हैं ना, एक और लगा देते हैं यहाँ पे। अबे जीएम कहीं से भी करो ये उसी डायरेक्शन में बैठ के जला देगी। नाइस वन भाई, कितना उजाला हो गया भाई, मस्त उजाला ही उजाला हो गया। देखो अच्छा लग रहा है ना, और ज़रूरत होगी तो बाद में कर लेंगे। अभी और क्या हम कर सकते हैं? मेरी इन्वेंटरी में कुछ है तो नहीं भाई, फालतू की चीज़ें बस, ये तो इतना ही बना सकते हैं हम तो। अभी मैं रख के जाती हूँ इसको। अच्छा, बॉक्स को खोलते हैं पहले तो। इसमें ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉइन रख देते हैं, ये भी रख देते हैं, और ब्रेड ब्रेड ये रख देते हैं। ये तो कैप्चर करने के लिए स्वीट्स रख देते हैं ना, स्वीट्स वगैरह बाद में डालूंगी। तो अभी मुझे तो मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में भाई, मस्त व्यू लग रहा है ना। अबे ये तो अपना ही बच्चा है। अच्छा मुझे लगा है कोई और है। एक और मैंने पकड़ लिया ये, तो फाइनली मेरे पास एक और पॉकीमोन आ चुका है, और इनको ही पकड़ना मुझे मुझे लगता है ये सबसे पहले मुझे ये बड़े बड़े पॉकीमोन कब पकड़ेंगे इनके लिए पता है? वो जो वो है ना, ये देखो भाई क्या मस्त है। हेलो हाय कैसे हो? पंगा नहीं लेना, बस दूर से बात करो, पंगा मतलब क्या, अपने ही बच्चा है यार। तो गाइस अभी फिलहाल मैं एक्सप्लोर करने निकली हूँ, और देखते हैं और क्या मिलता है यहाँ पे है ना। ये देखो स्टोन है आसपास ही, नहीं मुझे तोड़ना होगा, और ज़्यादा नीचे तो पानी है भाई, यहाँ पे और कहीं नहीं जा सकते आप। वो देखो सामने कुछ चमचमाती चीज़ दिख रही है, उसको ले लेते हैं ना। ये स्टोन इकट्ठे करने होंगे मुझे, ये वाले स्टोन है ना भाई। नीचे तो पानी है, नीचे कुछ नहीं है अभी, नीचे तो कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आप कर पाओगे और भी कुछ, तो मतलब कि आस पास रह के ही मुझे ये सब चीज़ें तोड़नी फोड़नी होंगी है ना, स्टोन वगैरह भी। इनको तो मार के, मुझे चिकन विकन मेरी खा भाई, मारना मत यार मेरी हेल्थ कम है। रुक जा यार रुक जा, चलो फाइनली मैंने इसका काम कर दिया तमाम। मेरा घर सामने ही दिख रहा है, और अब फटाफट मैं घर की तरफ बढ़ती हूँ, ताकि नहीं उधर है ना कोई स्टोन। अभी ये मेरे पॉकीमोन काम करते कितना मज़ा आता है ना, मैं क्या करूँ। तो गाइस अभी मैं और देखती हूँ क्या, और टॉर्च वगैरह और बना सकती हूँ, पर अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ओ ये भी कोई चीज़ है, ये कुछ है वुडन डेकोरेटिव वॉल शेल्फ। अच्छा हाँ ठीक है ना, करते ना अपने घर में लगाते हैं। वॉल शेल्फ है ये, लगा रखा है। अच्छा कहीं भी लगा सकते हैं ऐसे। ओह नाइस, तो मैं सोच रही हूँ ऐसे यहाँ लगा दूँ भाई, नीचे से ही बिल्ड हो जाएगा ये तो।
मस्त लग रहा है यार, ये तो डेकोरेशन की चीजें भी देंगे, क्या बात है यार, फील आ रही है। मैं थक गई और फाइनली मैं लेट गई। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। तो आज हमने पॉकीमोन पकड़े, अपना घर बनाया, फायर मतलब रोशनी कर ली, और जो जो हमारे टास्क है वो काफ़ी हद तक कर लिए कंप्लीट, और लेवल 6 से 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे जैसे और लेवल बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे वो हो जाएंगे, तो मतलब कि बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे की वीडियो में धीरे धीरे। अभी तो मुझे खुद ही इसको समझने में इतना टाइम लग रहा था, पर जैसे जैसे हम आगे आगे इस गेम में बढ़ते जाएंगे और मस्त मज़ा आने वाला है। तुम लोगों को कुछ भी पता हो कि जी हम अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।